नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। और तेजस मार्क 2 को लेके कुछ नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। और इन नए डेवलपमेंट्स की माने तो तेजस मार्क 2 की जो मैनुफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं करने वाली है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, तेजस मार्क 1 की मैनुफैक्चरिंग HAL ने की थी और जिसे डिजाइन किया था ADA ने। लेकिन अभी ऐसे बातें सामने आ रही हैं कि ADA ने अभी कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं की है तेजस मार्क 2 को मैनुफैक्चर करने के लिए। जैसा कि आप सबको बता दूं, तेजस मार्क 2 के मैनुफैक्चरिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स और ADA बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स की तलाश में है, जिसमें से कुछ ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि इस रेस में काफ़ी आगे नजर आ रहे हैं। और उनमें से जो प्रीवियसली तेजस मार्क 1 में पार्टिसिपेटेड VEM टेक्नोलॉजी और डायनेमिक इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस रेस में सबसे आगे नजर आ रही हैं। और ऐसा अनुमानित है कि तेजस मार्क 2 की जो प्री वर्जन्स होंगे, प्री टेस्टिंग वर्जन्स, उसे जल्द से जल्द मैनुफैक्चर करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ही दिया जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब तेजस मार्क 2 अपने प्रोडक्शन फेज को हिट करेगा 2025-26 तक, तो वहां पर HAL को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अभी फिलहाल में HAL को लेके किसी भी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ADA की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग बॉडी के रूप में तेजस मार्क 2 में। अभी HAL एक प्राइम असेंबलर के रूप में देखा जा रहा है बस। और ये डिसीजन कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि तेजस मार्क 2 को जल्द से जल्द IAF और ADA की टीम बनाने की सोच रही है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो चलिए इसी डिफेंस सेगमेंट में बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है अपना पहला 64i अपाच हेलीकॉप्टर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, अपाच को लेके इंडियन एयरफोर्स, US कंपनी बोइंग के बीच में यह डील हुई थी। और यह डील तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की थी। इस डील के अंतर्गत तकरीबन 22 अपाच हेलीकॉप्टर इंडिया को हैंड ओवर किए जाने थे बोइंग की तरफ से। और उसमें से पहला हेलीकॉप्टर आज हैंड ओवर कर दिया गया है IAF को बोइंग US के मिसा फैसिलिटी में। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अपाच हेलीकॉप्टर एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स और वेपन पैकेज दिए गए हैं जो कि इसको आज के टाइम पे जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे इसे एडवांस बनाता है। जैसे कि इसमें दिया गया है नाइट विजन सिस्टम और उसके साथ इन्वॉल्व है एक सेंसर सूट जो कि किसी भी टारगेट को सटीकली निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें लगाया गया है 30mm का M230 चेन गन जो कि इसकी फायरिंग रेंज को कहीं ना कहीं इन्हेंस करता है। इसमें लगाया गया है AGM-114 हेल फायर मिसाइल और उसके साथ इसमें दिया गया है हाइड्रा 70 रॉकेट पॉड जो कि इस अटैक हेलीकॉप्टर को और भी एडवांस बनाती है। और ये हेलीकॉप्टर एक ट्विन व्हील टाइप लैंडिंग गियर अरेंजमेंट का यूज करता है। और आज जो इंडियन एयरफोर्स को पहला अपाचे 64i हेलीकॉप्टर डिलीवर किया गया है, उसमें जो रडार था लॉन्गबो रडार, वो हमेशा हेलीकॉप्टर के टॉप पे माउंटेड होता था, लेकिन वो यहाँ पे इस पिक्चर में मिसिंग था जो हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था। तो उसको लेके बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि क्या इसमें लॉन्गबो रडार नहीं है। तो मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि अभी ऐसी जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसकी माने तो जो 22 हेलीकॉप्टर्स इंडिया इंडक्ट करने वाली है अपाचे 64i, उसमें से तकरीबन 12 में ये रडार्स होंगे और जो बाकी के 10 हैं उसमें ये रडार्स नहीं होंगे। अभी ऐसी इनिशियल रिपोर्ट्स है, इसके बारे में आगे क्या डेवलपमेंट होता है आपको जरूर रिपोर्ट करेंगे। तो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।